देखिए, अमल ताज के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि बहुत कम ऐसे पौधे हैं जिसमें इतने सारे गुण पाए जाते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जिसका पत्ती, फूल, जड़, फल, यहाँ तक कि छाल भी औषधि के उपयोग में आता है। हमारे बस्तर अंचल में ये काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और हमारे बस्तर के जो आदिम जनजातियाँ हैं इसका सदियों से उपयोग करती रही हैं। इस पौधे के को बाहर की दुनिया कैसे पहचाने इसके बारे में बताऊंगा। इसका जो नाम है अंग्रेजी में पुडिंग पाइप ट्री कहते हैं, क्योंकि लंबा सा इसकी जो फल होती है उसके आकार को देखते हुए पुडिंग पाइप ट्री कहते हैं, क्योंकि अंदर में जो पुडिंग जैसा भरा रहता है गुदा। दूसरा, इसे रेन इंडिकेटर, इंडियन रेन इंडिकेटर ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसका फूल आने के 45 दिनों के अंदर ही बारिश होती है और आदिवासी इस बात को बहुत पहले से जानते थे। और जब यहाँ पे हमारे आदिवासी भाई बीज निकालते हैं, धान को बोने के लिए पहला बीज निकालते हैं, तो उसके बीज के साथ में इसके फूल को भी ले जाते हैं। ये समृद्धि का भी प्रतीक है। संस्कृत में अगर बात करें तो इसका नाम ही है नृप द्रुम, नृप यानी राजा, द्रुम यानी पेड़, राजा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोना जिसके पास हो वो राजा हुआ। और इसके जो फूल होते हैं सोने की तरह दिखाई देते हैं, एक समय ऐसा आता है जब लगता है सोने से ज्यादा हुआ है, इसीलिए अंग्रेजी में इसको गोल्डन शावर ट्री भी कहते हैं, गोल्डन शावर ट्री भी कहते हैं। अब आते हैं इसके औषधि गुणों पे। तो जनाब, इसका जो 70 प्रकार की बीमारियों को यह दूर करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। जैसे कि हम जानते हैं कोरोना काल में सबसे ज्यादा दिक्कत है शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने की, तरह तरह की दवाइयों का आप सुनते हैं, लेकिन इसका उपयोग सदियों सदियों से हमारे आदिवासी, बस्तर के आदिवासी करते रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने में। इसका काढ़ा बना के पीते हैं और इससे कुष्ठ रोग भी दूर किया जाता है इसकी पत्तियों से, और पेट के संबंधित तो बहुत सारी बीमारियों को ये दूर करता है। इसकी छाल जो है उससे चमड़ा रंगने के भी काम आता है, रस्सी भी बनती है, और साथ ही साथ ये समझिए बच्चों के कई रोगों को दूर करता है। बच्चों में जो पेट की बीमारियां होती हैं, अफरा या पेट में और अन्य कोई समस्या हो, तो इसके फल के गूदे को अलसी के तेल या तिल के तेल में मिला के नाभि के चारों ओर लगा देते हैं और जादू की तरह ये काम करता है। बच्चा जो रोता हुआ बच्चा है हंसने लगता है, तो हम लोगों ने बचपन में ये देखा ही है। इसके अलावा कुष्ठ रोग को दूर करने में भी ये मदद करता है। बीमारी में भी इसका जो जड़ों का काढ़ा और गूदे का काढ़ा अगर उबाल के पिए तो बुखार में तथा सर्दी खांसी में भी काम करता है, तो कोरोना से भी लड़ने में ये काफ़ी मददगार हो सकता है। क्योंकि सदियों से इसका उपयोग किया जा रहा है तो इसके कोई साइड इफेक्ट होंगे या कोई दिक्कत होगी ऐसी बात नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, इसके फल का गूदा अगर ज़्यादा मात्रा मिले, चूँकि वो पेट साफ करता है, ज़्यादा मात्रा मिलेंगे तो दस्त हो सकते हैं, बस इतनी ही समस्या हो सकती है। तो ज़्यादा मात्रा में ना लें, किसी चिकित्सक के देखरेख में ही लेना चाहिए, और इस पौधे को बचाना बेहद ज़रूरी है। जिस तरह से हम लोग बेदर्दी से पेड़ काट रहे हैं, दिनों दिन अब ये कम होते जा रहा है, और ये वास्तव में अगर इसको सही तरीके से हम लगाएं तो आने वाले दिनों में बस्तर के लोगों की समृद्धि के द्वार भी खोल सकता है, क्योंकि पौधा बड़ा ही हार्डी होता है। एक बार लगा दो तो सिंचाई की आवश्यकता न, देख रेख की आवश्यकता, इसे खेतों के किनारे पर लगाया जा सकता है और बिल्कुल बिना कम से कम देखभाल के इसकी खेती की जा सकती है, और लाख पालन में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जी, धन्यवाद।